क्या बाबा झूठे हैं? क्या बाबा की बातें झूठी हो सकती हैं? चौंक गए ना आप भी। ये प्रश्न हम नहीं कर रहे, ये प्रश्न महाराज जी खुद करते हैं एक ऐसी लीला के अंतर्गत जहाँ पर बाबा को प्रकृति का नियम बदलते हुए देखा गया। नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल हनुमान सेवा परिवार में। आशा करते हैं प्रभु श्री हनुमान जी और पूजनीय गुरुदेव बाबा नीम करोली महाराज जी आप सभी भक्तों पर असीम कृपा सदैव बनाए रखें। परम पूज्य बाबा नीम करोली महाराज जी हनुमान जी के अवतार में इस तरह से सिद्धस्थ थे, इस तरह से बाबा हनुमान जी से एकाकार थे कि कभी हनुमान जी ने महाराज जी को अलग नहीं किया और कभी महाराज जी ने हनुमान जी से खुद को अलग नहीं किया। हनुमान जी सब कुछ करते महाराज जी की लीलाओं के द्वारा और महाराज जी कहते कि मैं तो कुछ नहीं करता, सब हनुमान करता है। वैसे भी प्रभु श्री राम ने हनुमान जी को जाने से पहले कहा था कि हनुमान आने वाले कलयुग के अंदर तुम ही धर्म की प्रचार करोगे, तुम ही धर्म की रक्षा करोगे। और हनुमान जी पूरे कलयुग के अंदर अपने उस कर्तव्य को साकार रूप देते हुए दिखाई देते हैं। इसे महाराज जी का अवतरण प्रथम बार हनुमान जी का अवतरण नहीं है। अभी तो हनुमान जी ने समय समय पर अलग अलग संतों के रूप में, अलग अलग दिव्य मनुष्यों के रूप में अपने रूप को साकार रूप में धरती पर अवतरित किया है और धर्म का प्रचार किया है। जो ही हनुमान जी को लगता कि अब कलयुग के अंदर अधर्म का प्रभाव बढ़ रहा है, तो ही हनुमान जी अपने प्रभु श्री राम जी का आशीर्वाद लेकर, उनकी आज्ञा लेकर इस धरती पर कहीं ना कहीं अपने मानव स्वरूप के अंदर लीलाएं करने के लिए आ जाते हैं। और चूंकि ये कलयुग पूरा का पूरा माया जाल है, अतः योग माया के द्वारा यह भी निर्धारित किया गया है कि कोई भी देवी देवता धरती पर जब मनुष्य रूप के अंदर साकार रूप में अवतरित रहते हैं तो उनके साथ रहने वाले लोग, उनके समांतर रहने वाले लोग उन्हें भुला देते हैं या फिर उन्हें पहचान ही नहीं पाते। अगर वो वास्तव में खुद भी कह दें कि मैं हनुमान हूँ तो भी लोग उनका मजाक उड़ाएंगे। योग माया के अंतर्गत ऐसा ही होता है, क्योंकि माया यहाँ पर हर मनुष्य को भौतिक आवरण में ढककर रखती है और यह भौतिक आवरण ही वह अंतिम परत है जिसके आगे उस अलौकिक संसार, उस देवी संसार की शुरुआत होती है। और इसीलिए शायद हनुमान जी अपने मनुष्य स्वरूप में जो कुछ भी बात अपने मुख से कह देते हैं वह बात अजर अमर हो जाती है, क्योंकि स्वयं हनुमान जी को भी अजर अमर होने का माता सीता से वरदान मिला हुआ है। तो जो कुछ भी हनुमान जी के साथ होगा, जो भी हनुमान जी के रूप में होगा, जो भी हनुमान जी के द्वारा होगा, वह सब कुछ अटल होगा। और साथ इस पूरे कलयुग के अंदर हनुमान जी को एकमात्र ऐसा देव माना गया है जिन्हें मनाना बहुत आसान है। अगर आप हनुमान जी को नहीं मना सकते तो राम जी को मना लीजिए, अगर राम जी को नहीं मना सकते तो माता जानकी को मना लीजिए, और अगर कुछ भी नहीं कर सकते तो प्रभु श्री हरि का नाम जपिए, हनुमान जी स्वतः आ जाएंगे। क्योंकि दोस्तों, जब भी आप आध्यात्म के रास्ते पर चलते हैं, सत्य के साथ खड़े होते हैं, तो स्वतः ही आप एक तरह से धर्म का प्रचार कर रहे होते हैं। और जो भी मनुष्य धर्म का प्रचार इस धरती पर करने में अपने कर्तव्य निभाता है उसके लिए हनुमान जी हर समय तैयार खड़े रहते हैं। अगर आपको गरीबी में से बाहर निकालना हो तो हनुमान जी निकाल देते हैं, अगर आप निसंतान हो, आपको संतान देनी हो तो हनुमान जी वह भी देते हैं, और अगर आप मृत्यु के समकक्ष खड़े हो तो काल को अपने मुष्टि प्रहार से मार के आपको बचा लेते हैं। ऐसे हैं पवन पुत्र वीर हनुमान और हनुमान जी के स्वरूप बाबा नीम करोली महाराज जी। आज आपको महाराज जी का एक ऐसा किस्सा सुनाएंगे जहाँ पर महाराज जी ने स्वयं कहा कि क्या हम झूठे हैं, क्या हमारी बातें झूठी होती हैं, और उन बातों का बाद में हुआ क्या। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा ताकि आप भी महाराज जी की इस परम लीला को जान सकें। और इससे पहले हम आगे बढ़े, आप सभी से एक छोटी सी यहाँ पर गुजारिश करते हैं। अब आइए ले चलते हैं आपको बिना देरी करे महाराज जी के इस अद्भुत अलौकिक प्रसंग पर। दोस्तों, जब बाबा नीम करोली महाराज जी ने कैंची धाम की शुरुआत करने की, स्थापना करने की अपनी दृष्टि वहाँ के लोगों को बताई थी, उनमें सर्वप्रथम जो उनके भक्त बने थे वह थे पूर्णानंद तिवारी। चूँकि पूर्णानंद तिवारी जी से महाराज जी का काफ़ी समय पहले का वादा किया हुआ था कि हम तुम्हें 20 साल बाद दर्शन देंगे, और उसी को फलीभूत करने के लिए महाराज जी कैंची धाम पधारे और आगे की लीला स्वतः अपनी पुरानी लीला से जोड़ते हुए करते गए। वही कैंची निवासी महाराज जी के परम भक्त पूर्णानंद तिवारी जी कहते हैं कि एक दिन बाबा मेरा हाथ पकड़े आश्रम से बाहर आ गए, हम दोनों जीप में बैठे और वहाँ से हम लोग भूमियादार चले गए। चूँकि उस समय कैंची धाम का निर्माण हो रहा था और महाराज जी उससे पहले भूमियादार हनुमान मंदिर का निर्माण करा चुके थे और प्रतिदिन वहीं जाकर महाराज जी विश्राम भी किया करते थे। जब भी कोई भक्त महाराज जी के दर्शन करने कैंची धाम आता और उन्हें ज्ञात होता कि बाबा यहाँ नहीं है, तो समझ जाते कि महाराज जी इस समय भूमियादार में ही मिलेंगे। अतः उस दिन पूर्णानंद तिवारी भी महाराज जी के साथ भूमियादार आ गए। उन दिनों भूमियादार आश्रम के रखरखाव की जिम्मेदारी और वहाँ पर सुचारू रूप से व्यवस्थाएं रखने के लिए ब्रह्मचारी बाबा को नियुक्त किया गया था। महाराज जी ने ब्रह्मचारी बाबा को आदेश दिया था कि तुम यहाँ पर भूमियादार आश्रम का ध्यान रखो। परंतु उस दिन जब महाराज जी और पूर्णानंद तिवारी जी वहाँ पर जीप से पहुँचे तो उन्होंने देखा कि ब्रह्मचारी बाबा वहाँ पर है ही नहीं, आश्रम में ताला बंद था। पूर्णानंद तिवारी जी ने कहा कि बाबा क्यों ना थोड़ी देर इंतज़ार कर लिया जाए, क्या पता ब्रह्मचारी बाबा यहीं कहीं नज़दीक गए हों और वापस आ जाएं। परंतु बाबा बोले कि नहीं, पूर्णानंद अभी का भी ताला तोड़ो। और महाराज जी के आदेश पर उस दिन आश्रम का ताला तोड़ा गया। अंदर जाते ही महाराज जी ने पूर्णानंद से अंदर के कमरों के भी ताले तोड़ने के लिए आदेश दिया।
जब पूर्णानंद तिवारी जी अंदर के कमरों के ताले तोड़ रहे थे तभी उनकी नज़र नज़दीक की खूंटी पर टंगे चाबियों के गुच्छे पर पड़ी। अब उन्हें चाबियों का गुच्छा मिल चुका था, अतः उन्होंने बाकी के कमरों के ताले नहीं तोड़े और चाबियों का इस्तेमाल करते हुए बाकी के सारे कमरे खोल दिए। बाबा ने अपना आसन भूमियादार के बरामदे में ही जमा दिया और पूर्णानंद तिवारी को चाय बनाने के लिए कहा। तिवारी जी जानते थे कि बाबा चाय नहीं पीते हैं, इसलिए जब महाराज जी का ऐसा आदेश मिला तो पूर्णानंद तिवारी जी थोड़ा आश्चर्यचकित हुए। उनके मन में एक ही ख्याल आया कि हो सकता है महाराज जी का कोई ऐसा भक्त आ रहा हो जो चाय पीता हो, क्योंकि बाबा तो सब कुछ जानते हैं, कोई दूर से आता भी है तो महाराज उसकी इच्छाओं के अनुसार भोजन खाने पीने की व्यवस्था जरूर कराते हैं। अतः शायद आज भी ऐसा हो सकता है कि कोई भक्त महाराज जी के दर्शन के लिए आ रहा हो और बाबा उन्हें दर्शन देना चाहते हो, इसी महाराज जी के प्रेम के कारण महाराज जी ने चाय बनाने का आदेश दिया है। तब तिवारी जी ने आग जलाकर उस पर पानी रख दिया। अभी चाय बनना शुरू ही हुआ था कि इसी बीच एक पंजाबी दंपति की कार आकर भूमियादार आश्रम के ठीक बाहर रुकी। उन दिनों अगर कोई कार आकर आश्रम के द्वार पर रुकती, चाहे कैंची धाम हो चाहे भूमियादार हो, अन्य भक्तों का यही अनुमान होता था कि कोई बड़ा सेठ महाराज जी के दर्शन करने आया है। यहाँ भी इस रुकी हुई कार से एक समृद्ध पंजाबी दंपति उतरे और सीधा अंदर आकर महाराज जी के चरण स्पर्श करके बुरी तरह से रोने लगे। तिवारी जी ने चाय बनाते हुए अनुमान लगाया कि यह दंपति की उम्र लगभग 50 से 55 के बीच की लग रही है। उन्होंने देखा कि उस दंपति को फूट फूट कर रोते हुए देखकर बाबा ने कहा कि चुप हो, रो मत, हमने कह दिया लड़का हो जाएगा। तब तक पूर्णानंद तिवारी जी भी चाय बनाकर ले आए थे। चाय देते समय तिवारी जी के मन में आया कि बाबा को भी क्या पागलपन सूझा है, बूढ़ों को भी संतान होने का वरदान दे रहे हैं, क्या महाराज जी को नहीं दिखता कि ये 50-55 वर्ष की उम्र के हैं, ये भला क्या संतान का सुख भोगेंगे। फिर तिवारी जी ने भोलेपन में यह भी सोचा कि शायद हो सकता है महाराज जी इन्हें टालने के लिए ऐसी बात कर रहे हों, क्योंकि ये दंपति तो बाबा के पीछे ही पड़ गया है, उनके पैर छोड़ ही नहीं रहा है। अब चाय देकर नज़दीक खड़े तिवारी जी के मन में बार बार बस यही प्रश्न आ रहा था कि महाराज जी ने शायद इनको टालने के लिए ऐसा बोल दिया है ताकि दंपति जल्दी से चाय पिए और वापस यहाँ से चले जाएँ। अगले कुछ क्षणों बाद जो ही वह पंजाबी दंपति चाय पीकर और महाराज जी का आशीर्वाद लेकर चले गए, तब बाबा पूर्णानंद तिवारी को डांटते हुए बड़े ही तेज़ आवाज़ में बोले कि क्या हम झूठे हैं, क्या हम झूठे लगते हैं तुम्हें। महाराज जी ने यह प्रश्न कई बार दोहराया। बाबा की दृढ़ वाणी में यह बार बार सुनकर पूर्णानंद तिवारी जी को आत्मग्लानि हुई। वे घुटने के बल बैठ गए और कान पकड़कर महाराज जी से माफ़ी मांगते हुए बोले कि सरकार आप कदापि झूठे नहीं हो सकते। अब ज्यों ही पूर्णानंद तिवारी जी ने यह कहा तभी ब्रह्मचारी बाबा का वहाँ पर आगमन हुआ। महाराज ने तिवारी जी को तो कुछ नहीं कहा, परंतु ब्रह्मचारी बाबा को बुरी तरह से फटकार लगाई और उन्हें डांटने के बाद पूर्णानंद तिवारी जी से कहा कि चलो अब हम कैंची धाम चलेंगे। यह घटना कुछ इस तरह से घट रही थी कि शायद महाराज जी उस पंजाबी वृद्ध दंपति को दर्शन देने और उन्हें वह आशीर्वाद देने के लिए ही भूमियाधर आए थे और ये लीला रची थी। और आने वाले 15 महीनों के बाद एक दिन महाराज जी अचानक तिवारी जी को बोले कि चलो अभी का अभी हम भूमियाधर चलेंगे। इस बार जब 15 महीने बाद तिवारी जी महाराज जी को लेकर भूमियाधर आश्रम पहुँचे तो ब्रह्मचारी बाबा वहीं पर थे, अतः उन्हें लग गया था कि आज महाराज जी का स्वभाव नम्र रहेगा, प्रेम में रहेगा, बाबा किसी को डांटेंगे नहीं। जो ही तिवारी जी और महाराज जी भूमियाधर आश्रम पहुँचे, बाबा ने वहीं सड़क के बाहर ही अपना आसन लगा दिया और वहीं पर बैठ गए। तिवारी और ब्रह्मचारी बाबा को यह समझ नहीं आया कि महाराज जी आज भूमियाधर आश्रम के बाहर क्यों बैठे हैं। तभी तिवारी जी अचानक देखते हैं कि थोड़ी देर में वही पंजाबी दंपत्ति वहाँ पर आए जो ठीक 15 महीने पहले भूमियाधर आए थे। इस बार जब वे आए तो बड़े ही प्रसन्न दिखाई दे रहे थे और वे साथ में एक डब्बा घी और कुछ रुपये भी लेकर आए थे। साथ ही तिवारी जी की दृष्टि पड़ी तो उन्होंने पाया कि उस पंजाबी औरत की गोद में एक छोटा सा बच्चा भी है। तब उन्हें पिछले साल की वह घटना याद आ गई जब महाराज जी ने उन्हें कहा था कि जाओ तुम्हारे लड़का होगा, और ये साक्षात दृश्य देखकर तिवारी जी बुरी तरह से चकित रह गए। उनके भोले वाले मन में बस एक ही आतुर स्वर निकला, जय हो बाबा, जय हो आपकी, आपकी लीला अपरंपार है, क्योंकि उन्होंने साक्षात देखा कि महाराज जी ने जिस वृद्ध दंपति को पुत्र रत्न का आशीर्वाद दिया था वह महाराज जी के कहे अनुसार, हनुमान जी के कहे अनुसार इस प्रकृति ने पूर्ण रूप से फलीभूत किया। और शायद यह भी हो सकता है कि महाराज जी ये लीला इसलिए कर गए ताकि आने वाले समय में भक्तों के मन में अपने ईश्वर अपने गुरु के प्रति कोई संशय ना रहे, उनकी वाणी पर कोई शंका प्रकट ना हो और साथ ही भक्तों का धर्म के अंदर विश्वास ज़्यादा दृढ़ होता जाए। और यही तो धर्म का प्रचार करने के लिए बाबा महाराज स्वयं इस धरती पर अवतरित हुए, हनुमान जी अपने सिद्ध स्वरूप के अंदर अवतरित हुए और निरंतर हनुमान जी राम जी की आज्ञा के अनुसार धर्म का प्रचार करने में लीन हैं। आप भी निस्वार्थ भाव से महाराज जी और हनुमान जी की सेवा करते हुए हनुमान जी के ही कर्तव्य के अंदर उनका साथ दीजिए, प्रभु श्री राम के आदेश का पालन करते रहिए। आशा करते हैं आज का ये वीडियो आपको पसंद आया हो। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो जाने से पहले इसे लाइक जरूर कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाले सारे नए वीडियो आप तक सर्वप्रथम पहुँचें। मिलेंगे बहुत जल्दी ही एक और ऐसे ही शुभ अंक के साथ, तब तक
अपना और अपने माता पिता का संपूर्ण ख्याल रखिए और परम प्रभु श्री राम जी का निरंतर गुणगान करते हुए बाबा हनुमान और बाबा नीपकरोई महाराज जी के निस्वार्थ होकर सेवा करते रहिए। जय सियाराम।